दोस्तों आदाब, पस मंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और खबर है सुरनकोट से। सुरनकोट में दुकानदारों की और जो रेड़ी वाले हैं उन्हें आपस में दुकानदारों को यह एतराज है कि यहां पे जो रेड़ियां लगती हैं जिससे उनका नुकसान होता है। इसी हवाले से रेड़ी वाले कहते हैं कि हमारा जो यहां पे रोजगार चलता है जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। इन दोनों की सुरनकोट में अक्सर इस हवाले से बातें होती रहती हैं, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट के वहां के लोग क्या कहते हैं और ये मुद्दा क्या है। नूरानी भाई, उससे पहले भी मैंने एक दिन हमने एजिटेशन यहाँ पर किया था, तो हमने ज़िला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि सोमवार से पहले जो है जितनी यहाँ पर रेड़ियाँ हैं ये तमाम रेड़ियाँ उठनी चाहिए। कोई भी जो दुकानों पे सामान बिकने वाला है वो फुटपाथ पे नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा जो है वो दुकानदारों का होता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी आप सुरनकोट बाज़ार के अंदर देखिए, आज भी पूरी जहाँ पर रेड़ियाँ लगी हुई है। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी हो, ज़िला इंतजामिया हो या तहसील इंतजामिया हो, या यहाँ का पॉलिटिकल कोई सिस्टम हो, यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सिस्टम हो रहा है। लेकिन हम इसके कति खिलाफ है, कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है और कल भी खिलाफ रहेंगे। मामला ये है कि रियासती सरकार जो है, रियासती जम्मू कश्मीर की सरकार हो या मरकज की सरकार हो, इन्होंने वोट लेते हुए तो ये कहा था कि हम जितने भी बेकार नौजवान हैं उनको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, भत्ता लोन देंगे, बच्चे घर में बैठ के खाएंगे, पढ़े लिखे बच्चे भी खाएंगे, जो छोटी क्लास में पढ़े पाए हैं उनको चपरासी लगाएंगे और नौकरी देंगे। नौकरियां तो है नहीं, कुल मिला के लोग सड़कों पर आए हैं, रेड़ी करते हैं, यहाँ जगह थोड़ी है और यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि बाजाबता म्यूनसिपल कमेटी को एक हदायत जारी की जाए, जो भी रेड़ी करे वो बाजाबता माटू कुटा के महीने का वो रेड़ी अपनी परमानेंट करे और एक ही जगह बैठा रहे। ये नहीं कि आज यहाँ लगाओ कल वहाँ लगाओ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशान करो। तो मैं एसपी साहब का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि वो मौके पे आए और इस तमाम मामले का हल निकाल रहे हैं। आपके चैनल की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा म्यूनसिपलिटी को हरकत में आना है, ये सब छोटे मोटे काम हल हो जाएंगे। आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। मेरा नाम शुक्र है। तो आपकी ये रेड़ी लगी हुई है क्या? यहाँ ये तो 2-3 साल से यहाँ रेड़ी लगी हुई है। मैं इसी रेड़ी पर गुजारा करता हूँ, बच्चों को पालता हूँ और वगैरह वगैरह सारे काम ही, पढ़ाई बच्चों की, दूसरा तीसरा सारा इसी रेड़ी पर दारोमदार है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन हुई? मेरी डिग्री है, बी है सर। तो आपको नौकरी नहीं मिल सकी? नौकरी कुछ नहीं मिली है सर। अभी आप अवरेज हो गए? अवरेज हो गए सर। तो ये थी हमारे नुमाइंदे सिकंदर नूरानी की सुरनकोट से रिपोर्ट। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज़।